बस एक दिन दुख मनाने के बाद मैंने अपने आप से बोला, जो गया सो गया। अगर मैं भी बाकियों की तरह हाथ पैर छोड़ के इसके बारे में सोचता रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा और दुख मनाता रहूंगा तो मुझ में और बाकियों में क्या फर्क। एक रूल होता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए और तुम उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो बस 5 मिनट गम मनाओ, गुस्सा करो, कुछ भी करो और उसके बाद मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। दे स्टोल माई बिलोंगिंग बट दे कैन नेवर स्टील बट आई हैव इन हियर। पैसे के लॉस को पैसा ही रिकवर कर सकता है और यहीं से शुरुआत हुई मेरे 10-day चैलेंज की, जिसका आप डे 6 देख रहे हैं। लेट्स बिगिन। तो यार डे 6 की शुरुआत हो चुकी है और रात के बज रहे हैं 11। दिन में 2 बजे उठा था तो दिन भर कुछ नहीं किया, रात को काम शुरू करूंगा। मोटिवेशन बहुत डाउन है क्योंकि ऐसा होता है कि तुम इतनी मेहनत करते हो, मेहनत सारी वेस्ट सी लगती है जब क्लाइंट नहीं आते हैं, और जब क्लाइंट नहीं आते हैं कोई रिजल्ट नहीं आता है, तुम्हारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है तो तुम काम करना बंद कर देते हो। फिर जब तुम काम करना बंद कर देते हो तो क्लाइंट आना बंद हो जाते हैं, जब क्लाइंट नहीं आते तो मोटिवेशन डाउन हो जाती है, काम बंद कर देते हो और काम बंद कर देते हो तो क्लाइंट नहीं आते। तो ये एक लूप चलता रहता है जिस लूप में आप फंसे रहते हो, हमें समझ लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं या हमसे कुछ नहीं हो रहा। तो ये फ्रीलैंसिंग में कॉमन होता है, तो इसीलिए चाहे क्लाइंट आए ना आए आपको काम करना बहुत जरूरी है। मेरे 2 सेंट्स हैं, बस ध्यान रख लो, थोड़ा सा ज्ञान है। बट एक चीज बता दूं, जॉब में आप करोगे रो धो के आपको जॉब करनी पड़ती है, 15-20-30 हज़ार रुपए तो मिल जाते हैं, आप उसी में खुश रहते हो, आप काम करते हो। फ्रीलैंसिंग में ऐसा नहीं है, 10-20 दिन बर्बाद हो जाए, 25 दिन बर्बाद हो जाए काम करते करते, कोई रिजल्ट ना आए, कुछ ना आए, पर आप लगे रहोगे तो आपके पास क्लाइंट जरूर आ जाएगा, और जो क्लाइंट आएगा ना वो आपकी मंथली सैलरी से ज्यादा होगा। तो मान लो आज 5 दिन खत्म हो चुके हैं, 5 दिन और बचे, और मैं जैसे जैसे अगर मैं 5 दिन निकाल लूं और एक क्लाइंट भी ले आऊं $2,000 पर मंथ का वीडियो एडिटिंग का, क्योंकि मैं चार्ज करना चाह रहा हूँ $2,000 पर मंथ 15 वीडियो एडिट्स के लिए, और अगर एक क्लाइंट भी आ गया ना तो ये पूरे 10 दिन की मेहनत वर्थ इट होगी, क्योंकि वो आपके साथ कंटिन्यू काम करता रहेगा और $2,000 तो आई थिंक जॉब से मच मच बेटर है। उसके बाद मैं आराम से चैन की जिंदगी जी सकता हूँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग तो मैं करता ही नहीं, क्लाइंट से बात करता हूँ और मैनेजमेंट का काम संभालता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली कह सकते हैं, और सेल्स का काम संभालता हूँ, और बाकी ये लीड जनरेशन और मार्केटिंग बाकी काम कोई और करता है। सो क्लाइंट लाना थोड़ा सा मुश्किल है और वो वहाँ पे मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत है, बट अगर मैं एक क्लाइंट भी ले आता हूँ इस 10 दिन के अंदर तो वो मेरे लिए वर्थ इट होगा। सो इसी को मोटिवेशन बना के काम शुरू करते हैं। मैंने इस बंदे को ईमेल किया, ये ब्लॉगर है, जर्मनी का है बंदा, अभी इंडिया में घूम रहा है और ऑल ओवर द इंडिया घूम घूम के वीडियो बना रहा है। इसने इवन ये चैनल जो बनाया है इंडिया में ही बनाया, इसके ऑलरेडी 17 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जर्मनी का बंदा है ये, इसका यूट्यूब चैनल है। मैं गया अबाउट में और मैंने इसका ईमेल निकाला, और इसका ईमेल निकाल के मैंने इसको ईमेल किया, और ये लिखा मैंने इसको ईमेल में कि हाय क्रिस, यू आर ट्रैवलिंग इन इंडिया, लव योर वीडियोस, और इंडिया अच्छी कंट्री है, ये है वो है, और क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी वीडियोस एडिट करे। तो इसका तुरंत रिप्लाई आ गया था कि हे ब्रो, आई एम करेंटली लुकिंग फॉर समवन हु कैन एडिट 3 वीडियोस अ वीक फॉर माय यूट्यूब चैनल और 5 रील अ वीक। तो इसके यूट्यूब चैनल की इसने लिंक भेज दी और इंस्टाग्राम भेज दिया, जबकि मैंने ऑलरेडी इसके तारीफ करी है चैनल की, हे क्रिस, योर व्यूअर हेयर फ्रॉम इंडिया। तो मैंने यहाँ पे फिर लिखा, ब्रो आई हैव वॉच्ड ऑल ऑफ योर वीडियोस ऑलरेडी, दैट्स व्हाई आई सेंट दिस ईमेल, और मैं तुम्हारी वीडियोस एडिट कर सकता हूँ स्टाइल में, और मेरा ये है बुकिंग लिंक। तो ये मुझे बोलता है कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तो मैंने बोला ठीक है। तो हुआ ये कि क्रिस से मैंने व्हाट्सएप पे बात करी और क्रिस ने मुझे बोला कि तुम अपने रेट बताओ। तो क्या है कि कभी भी तुरंत रेट नहीं बताना चाहिए, तब जब भी तुम क्लाइंट को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट जाननी चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि रिक्वायरमेंट बताओ, तो उसने बोला जो मेरा अभी स्टाइल है वही स्टाइल में मुझे वीडियो एडिटिंग चाहिए, और पर मैं तुमसे रेट पहले जानना चाहूँगा इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ काम दूँ। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे वीडियो फुटेज दे दो, मैं तुम्हें एडिट करके दे देता हूँ 1 मिनट की। उसने बोला हाँ तब तो ठीक है, पर फिर भी मुझे एक बार रेट बता दो क्योंकि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने बोला ठीक है भाई, बंदा जेन्युइन है। तो मैंने बोला कि मैं चार्ज करूँगा $2,000 मंथली, और मैं तुम्हें वीकली 3 वीडियोस एडिट करके दूंगा, तो हो गया 3-4 12 वीडियोस, 3 या 4 वीडियो जो भी उसने बोला था वो मैं तुम्हें करके दे दूंगा, सारा का सारा जो भी उसने बोला है, सिर्फ $2,000 में। तो वो एकदम से फिर लाफिंग इमोजी भेजता है, हाँ यू आर अ क्लाउन, तुम जोकर हो, यू आर अर्निंग मोर देन एयर इंडिया पायलट। तो मैंने बोला, मतलब वो उसने मुझे ऑफेंड कर दिया, उसने मुझे फालतूपंती लिख के भेज दी और ये बोल दिया। उसके बाद मैंने बोला ब्रो आई हैव यूट्यूब चैनल एज वेल, फिर उसके बाद वो मैसेज करके देख रहा है कि क्या बोलते हैं,
बोल रहा है कि मैं अपने एडिटर को $50 देता हूँ वीडियो एडिट करने के, और तुम $2,000 मांग रहे हो मंथली, मैं अपने एडिटर को सिर्फ $50 देता हूँ। तो उसने मुझे ये लिख के भेजा, मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरी यूट्यूब वीडियोस चेक कर सकते हो, मेरा यूट्यूब चैनल ही है। तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे गया और उसने मेरी बहुत पुरानी वीडियो जो मे बी फर्स्ट सेकंड वीडियो होगी उससे देख के फिर रिएक्ट भेज रहा है कि भाई हाँ, मेरी मेरी फर्स्ट वीडियो तुम्हारे फर्स्ट वीडियो से ज़्यादा बेटर थी। और ये उसने लिख के भेजा और उसके बाद उसने गो फक ऑफ पीस लिख के उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो गाइस देखो ऐसे लोग होते हैं, इसको इसने मेरी वीडियो देखी जो एक साल पुरानी थी और इसने उसमें मेरी बेइज्जती मार दी कि मैं क्लाउन हूँ और मैं एयर इंडिया के पायलट से ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, वो एयर इंडिया का पायलट है, वो इंडिया में काम कर रहा है, वो मे बी 1.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये महीने कमाता हो, बट जरूरी नहीं है कि हम उसके जितना नहीं कमा सकते या हम वीडियो एडिटिंग में $2,000 चार्ज नहीं कर सकते। मैंने खुद किसी से पूछा था कि वो कितना, उसका एडिटर कितना चार्ज कर रहा है, उसकी वीडियोस बहुत अच्छी है, और मैंने उससे पूछा था कि क्या उनका एडिटर चार्ज कर रहा है, तो उस बंदे ने बोला कि मेरा एडिटर $2,500 चार्ज करता है, मतलब $2,500 महीने के चार्ज करता है सिर्फ 15 वीडियो एडिट करने के। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने प्राइस इसके लिए रखा और इसने मेरा मजाक उड़ा दिया जो भी है। बट मैं कहना चाहूंगा इस बंदे को कि एक तो ये इंडिया घूम रहा है, मुंह के सामने अच्छा बन रहा है, इंडिया में घूम रहा है, मुंह के सामने अच्छा बन रहा है, लोग इसकी हेल्प कर रहे हैं, इंडिया वाले लोग इसे घुमा रहे हैं फ्री में, ये जिस भी स्टेट में जाता है इंस्टाग्राम पे लिख देता है, वहां से कोई ना कोई से मिल जाता है जो उसे उस स्टेट को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, और पीठ पीछे ये झंड मारता रहता है, मतलब पीठ पीछे ये झंड मारता है। अगर तुम जर्मनी जाओगे तो जर्मनी के लोग रूडेस्ट होते हैं, तुम किसी बाहर के बंदे को देख लेते हो जो फॉरेन से आया, तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, बट जब तुम कभी इंडिया से बाहर जाओगे ना, किसी भी कंट्री, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, किसी भी कंट्री में जाके देख लो, इंडियंस की वहां पे बेइज्जती होगी, रेसिज्म होगा, सब कुछ होगा, और जबकि उनके देश की कंट्री से कोई हमारे देश में आता है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको अच्छे से घुमाते फिराते हैं। इवन ये बंदा अभी इंडिया में आके कुछ खर्च भी नहीं कर रहा होगा, जितना खर्चा हो रहा है उसका ट्रैवल में खर्च हो रहा होगा, बाकी ये जिस भी स्टेट में जाता है वहां से किसी ना किसी को अपना एज ए गाइड रख लेता है, और वो गाइड ही उसके हर जगह पे करता है, क्योंकि मैंने इसकी सारी वीडियोस देखी, आई डोंट थिंक कि ये खुद पे करता है, कोई ना कोई इसके लिए पे करता है। तो मैंने जवाब में इसको ये लिख के भेजा, क्लियरली मैन यू कैंट रीड एनी एंड यू से आई एम द क्लाउन, आई मेक 10K पर मंथ विद जस्ट 4 क्लाइंट्स ऑलरेडी, आई हैव सेंट यू माई पोर्टफोलियो इन द वेरी फर्स्ट ईमेल विच यू डिडंट सी, यू चेकड आउट माई रियर 1 year ओल्ड वीडियो विच समहाउ गॉट पॉपुलर, ये मेरा यूट्यूब है लेटेस्ट वीडियो है, एंड दिस इज अ टेस्ट एडिट फॉर अ क्लाइंट विच इज क्लियरली देयर ऑन माई पोर्टफोलियो, जो तुमने ध्यान नहीं दिया, इफ यू सिंपली कांट पे देन डोंट डिग्रेड समवन यू जर्मन शेफर्ड, $50 तो कुछ भी नहीं होते हैं एक वीडियो एडिटिंग के, इफ यू हैव टोल्ड योर प्राइसेस अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले ही बताया होता कि तुम $50 दोगे तो मैं तुम्हें खुद ही फक ऑफ बोल लेता पोलाइटली, श्योर एयर इंडिया पायलट माइट बी वर्किंग फॉर 2 grand बट आई एम नॉट, स्टॉप लिविंग ऑन अदर पीपल्स मनी एंड गो बैक टू योर फकिंग कंट्री, लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दैट। तुम्हें पता ही है क्या हुआ, 200 साल पहले अंग्रेज लोग आए, इंडिया वाले लोगों ने उनको भाव दिया और वो 200 साल तक हम पे राज करके गए और इंडिया को पूरी तरह से लूट के चले गए। आप लोगों को उनको हमसे ऊपर नहीं देखना, सुपीरियर नहीं देखना, ये बंदा मेरे ईमेल को ढंग से नहीं पढ़ पाया तो और क्या कह सकता हूँ इस बंदे के बारे में। तो एटलीस्ट तुम्हारे पास बजट नहीं है, तुम $50 देते हो अपने वीडियो एडिटर को, ठीक है तुम्हें मेरा बजट मेरा प्राइस ज्यादा लगा, तो सिंपली तुम पोलाइटली कह सकते हो सॉरी मैन आई कांट अफोर्ड दिस, माई एडिटर एडिट्स माई वीडियो फॉर $50, सो ये मेरे स्कोप के बाहर है। ऐसे बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जो ये लिखते हैं कि तुम बहुत एक्सपेंसिव हो तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगा, बट थैंक्स एनीवे, ये लिख के भेजते हैं। बट यहाँ देखो इसको बंदे को, ये फक ऑफ लिख रहा है और क्लाउन लिख रहा है और बेइज्जती मार रहा है, ये बहुत ही गलत है। तुम सिंपली देख लो, मैंने किसी को वीडियो एडिटिंग के लिए आउटरीच किया था ईमेल पे, तो उसने सिंपल मैसेज लिखा है, हेलो देयर हिम, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट दिस टाइम, थैंक्स। ईमेल है जो मैंने किसी को भेजा था वीडियो एडिटिंग के लिए, तो उसने लिखा प्लीज एडवाइज ऑफ प्राइस लिस्ट, उसने मुझसे प्राइस लिस्ट पूछी, मैंने यहाँ लिख दिया कि श्योर जॉनथन लॉन्ग फॉर्म वीडियो $95 शॉर्ट फॉर्म इतने, तो इसने सिंपली रिप्लाई नहीं किया, इसे ज्यादा लगा इसने रिप्लाई नहीं किया। तो वही है, कुछ ऐसे चूतिए होते हैं, ऐसे लोग सामने अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे ऐसे इस तरह से ट्रीट करते हैं,
इसे ये नहीं पता कि ये इंडिया में है, इंडिया वाले लोगों के पैसों पे घूम रहा है, इसके पास खुद किसी को देने के पैसे नहीं है और ये पीठ पीछे बेइज्जती मार रहा है। एटलीस्ट सीधे बोले कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है एडिट करवाने के लिए, सो मैं तुम्हें हायर नहीं कर सकता। तो गाइस ईमेल भेजा जा रहा है, 9 लोगों को ईमेल भेजा अभी यूट्यूब से ईमेल निकाल के, 9 लोगों को वीडियो एडिटिंग के ईमेल भेज रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर की मदद से जिसका नाम है मेल मीटियर। और बता दूंगा कैसे यूज करते हैं इस टूल को, फ्री में पर्सनलाइज ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल चले गए हैं, 5 लोगों को ढूंढा है एंड उसके बाद एक वीडियो एडिट करनी है आप लोगों के लिए। और ऑलमोस्ट ईमेल चला गया है 9x9 टैग से, यहाँ पे लिखा गया ईमेल सेंड और यह है लिस्ट। तो यार काम करते करते इतने सारे किशमिश खा लिए कि मुंह में इतना मीठा हो गया कि अब कड़वा लग रहा है। तो काम करता हूँ, चाय बनाता हूँ। बाकी अपडेट ये है कि ईमेल कर दिए थे बहुत सारे लोगों को, लिंक्डइन पे मैंने आउटरीच किया कुछ लोगों को, अपने फेसबुक और ट्विटर पे आउटरीच करने जा रहा हूँ। बाकी अभी थोड़ी देर में बताऊँगा कि एक टूल है जिसकी मदद से मैं कॉन्टेंट लिखता हूँ और कैसे वो टूल आपकी हेल्प कर सकता है। बहुत ईजीली, बहुत अच्छे AI टूल है, मैं अभी दिखाऊँगा आपको। तो देखो इस टूल का नाम है chat.openai.com, ChatGPT भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है राइट अ पोस्ट ऑन वाई 2023 इज बेस्ट ईयर टू स्टार्ट यूट्यूब और मैं एंटर दबाने जा रहा हूँ और तुम देखना ये कमाल करता है। ये देखो ये खुद ही मेरे लिए कंटेंट लिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस कंटेंट को थोड़ा सा एडिट कर दूंगा और लिंक्डइन पे डाल दूंगा चुपचाप से, क्योंकि लिंक्डइन पे थोड़ा थोड़ा सा टेक्स्ट को शॉर्ट करना पड़ता है ताकि लोग उसे पढ़ पाए और इजिली पढ़ सके। तो यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ, मतलब मैं नहीं लिख रहा, AI लिख रहा है, इसको मैं फिर एडिट करूंगा, लिंक्डइन पे डाल दूंगा, काम खत्म। चलो काम अपना डन, अब इसको मैं एडिट करूंगा और अपलोड कर दूंगा लिंक्डइन के ऊपर जहां भी मुझे डालना होगा डाल दूंगा। सुबह के बज गए हैं 5:30, आधे एक घंटे और मैं आउटरीच करूंगा ट्विटर पे, उसके बाद मैं सोने चला जाऊंगा और day 6 खत्म हो जाएगा। मैंने अभी एक और कोल्ड ईमेल तो नहीं, मतलब एक एजेंसी ओनर है, उनकी वीडियो देखी और उसके बाद अब मैंने उन्हें ईमेल भेजा कि उन्हें यूट्यूब शुरू करना चाहिए अपने लिए क्लाइंट्स लाने के लिए। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, बहुत हेल्पफुल हूँ। और अब मैं शायद अगले कुछ दिनों के लिए एजेंसी ओनर्स को ट्राई करूंगा ईमेल भेजना, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं खर्च करने को, छोटे मोटे लोग उनके पैसे नहीं होते, वो रेट सुन के ही चुप हो जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है। तो अब एजेंसी ओनर्स को ट्राई करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कुछ हो जाए। अगर तुम क्लाइंट्स को आउटरीच करते हो और वो तुम्हारा प्राइस सुन के रिस्पॉन्स नहीं देते तो तुम सही लोगों को आउटरीच नहीं कर रहे हो। दुनिया में गरीब लोग भी अमीर लोग भी, ट्राई करो कि अमीर लोगों को पिच करने की कोशिश करो, गरीबों से आप दूर रहो तभी आप अमीर बन पाओगे। तो नेटवर्क बिल्ड करना जरूरी है लिंक्डइन पे, तो ईमेल अगर करोगे तो ऐसे लोगों को करो जहाँ पे स्कोप को पैसे मिलने का अच्छा पैसा। तो चलो शुरू करता हूँ मैं आप ट्विटर पे आउटरीच करना। तो सुबह के बज गए हैं 6 गाइस और मैं कर देता हूँ काम खत्म। और गाइस day 6 खत्म हो चुका है, अपना मार्कर लेके करते हैं day 6 को क्लोज। होपफुल भी सोचा तो मैंने यही था कि day 7 में क्लाइंट मिलेगा, लेट्स सी टुमारो। बाय गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।